नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर लैब बरवाला पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारी जो किडनी रिजेक्ट होती है तो उसका कारण क्या रहता है, हम कहां पर गलती करते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा है इन्फेक्शन का होना, मेडिसिन को टाइम पर न लेना और जो परहेज बताए जाते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते तो हमारी जो किडनी है वो दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि ट्रांसप्लांट जब हमारा होता है उससे पहले डोनर और रिसिपेंट के ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के टेस्ट होते हैं, हर अंग को चेक किया जाता है किडनी को छोड़ करके। हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए तभी हमारा ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट से अगर एक या एक दिन पहले भी अगर डोनर या रेसिपेंट को किसी भी तरह की छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे ट्रांसप्लांट की डेट को टाल दिया जाता है। क्योंकि हमारे ट्रांसप्लांट के बाद हमारी जो मेडिसिन चलती है उससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और अगर इन्फेक्शन के अंदर हमारा ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा तो उससे उभरने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा और वह जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होगा वो हमारी ट्रांसप्लांट किडनी को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए ट्रांसप्लांट से पहले अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमारे शरीर के अंदर होती है, हमारी बॉडी में होती है, तो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। और ट्रांसप्लांट जब होता है उसके बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन का लगना। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन हमारी चलती है वो इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है और जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन रखती है और उसी टाइम हमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। और जैसे कि जो डॉक्टर हमें परहेज बताते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, मेडिसिन को टाइम पर नहीं लेते, मेडिसिन की डोज बनती है और जो टाइम पर हमें लेनी हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम को हम स्किप करते रहते हैं। हर एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है हमारे साथ में और उसका खामियाजा हमें आगे चल कर के भुगतना पड़ता है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि घर का ताज़ा बना गर्मा गर्म खाना खाएं, पानी की जो क्वांटिटी है उसको आप डॉक्टर के बताए अनुसार ही रखें, यानी कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। तो इसके अंदर भी हमें कोताही बरतते हैं, जैसे कि कुछ टाइम में निकलने के बाद में जब हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं उस टाइम पर हमें सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके दौरान 2-3 घंटे निकल जाते हैं और हम पानी को नहीं पीते। हमारी ट्रांसप्लांट के बाद हमारी बॉडी को हर 1 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी की ज़रूरत रहती है और हम उसके अंदर भी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम पानी भी 1.5-2 लीटर ही पीते हैं और ये धीरे धीरे आगे चल करके समस्या हमें आती है। तो जो डॉक्टर हमें बताते हैं मेडिसिन के बारे में, खाने के बारे में और पानी पीने के बारे में, या फिर जैसे बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट को कम से कम यूज करना है, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, और ये ही है जो स्टार्टिंग के अंदर हमें लेते हैं जब स्वस्थ हो जाते हैं तो इनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं 1.5-2 साल के बाद में और आगे जा कर के कुछ टाइम बाद हमें इसका हर्जाना अपनी किडनी को दोबारा से खोने के बाद एहसास होता है कि हमने कहाँ गलती की, तो यहाँ पर हमने गलती की। कुछ पेशेंट मेरे को मिले हैं जो कि अभी भी 25-30 साल हो चुके हैं उनको और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, नॉर्मल अपनी सादी जो सादा जीवन है वो जी रहे हैं। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना होता है, अगर बीपी है तो उसको भी आप कंट्रोल रखें मेडिसिन के द्वारा या फिर अपना रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। अगर हमें अपनी ट्रांसप्लांट किडनी है उसको लंबा अगर चलाना है तो जो डॉक्टर बताते हैं उसी हिसाब से हमें चलना होगा और अपने शरीर को इन्फेक्शन से बचाना है। अगर कहीं बाहर भीड़ भाड़ के एरिया में हम जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, किसी से भी हैंड शेक ना करें क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो जिस बंदे से हम मिल रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और इसी के साथ में मैं जल्द ही मिलूँगा आप लोगों से, एक नए टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।